हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं पिछले बार से कुछ थोड़ा सा कंटेंट को बढ़ा रहा हूँ और हम लोग बेसिकली जीओसी पे वर्क कर रहे हैं वन बाय वन। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जीओसी को बहुत गहराई से और बेसिक बेसिक बातें मैं क्लियर कर पाऊँ। चलिए मैं कम टू द पॉइंट वापस आता हूँ। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, मीडियम्स एंड टाइप ऑफ फिजन ऑफ बॉन्ड। हम सब जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन बगैर ब्रेक किए हुए बॉन्ड कभी नहीं हो सकता। तो बॉन्ड जब तक पुराने बॉन्ड नहीं टूटेंगे, नए बॉन्ड बन नहीं सकते। जैसा कि हम आम ज़िंदगी में भी कहते हैं कि पुराने रिश्ते अगर नहीं टूटेंगे तो नए रिश्ते बनेंगे कैसे, और अक्सर हमारे नए रिश्ते बन जाते हैं। सेम एज़ यहाँ पे मीडियम हमारे लिए रिएक्शंस के मैकेनिज्म को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बन जाती। मीडियम के बगैर हम चीज़ों को सोच भी नहीं सकते हैं कि जो मीडियम के बगैर रिएक्शन हो सकता है। तो मीडियम्स को बेसिकली हम देखें तो दो चीज़ें बड़ी याद करने समझने वाली बात है। टाइप्स को मैं बाद में डिस्कस करूँगा, पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ मीडियम। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के बीच में कि रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक्चुअली रिएक्टेंट सबस्ट्रेट कोई नई चीज़ नहीं है। बेसिकली हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं उसी कंपाउंड का नाम बेसिकली रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट होता है। उसी कंपाउंड के अंदर वो रिएक्टेंट हमारे लिए तैयार होते हैं। अगर हम सुटेबल मीडियम सॉल्वेंट में उसे डिजोल्व करते हैं तो उस कंडीशन में बॉन्ड टूटता भी है और इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की, कार्बोकैटायन कार्बन एंड फ्री रेडिकल कार्बन। तो मीडियम ऑफ सॉल्वेंट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेगा नहीं तब तक हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रिएक्टिव इंटरमीडिएट पर डिपेंड करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा बगैर, जो अगर हम चाहें कि किसी तरीके से भी बगैर रिएक्टेंट सबस्ट्रेट को ब्रेक किए हुए हम चाहें तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं कर सकते। इसी के हिसाब से हमारे लिए मीडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो अगर मीडियम पे आप गौर करें तो सबसे पहले मीडियम्स दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ मीडियम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मीडियम है क्या? बेसिकली सुटेबल मीडियम, याद रखिए, गैसियस रिएक्शंस के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, सुटेबल मीडियम की, खासकर गैसियस रिएक्टिव फेज के कंडीशन में। और अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में आपने ऐसा मीडियम लिया है जहाँ पे इनर्टनेस की ज़रूरत है, तो वैसे कंडीशन में मीडियम शुड बी डजेंट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। इनर्ट मीडियम में कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मीडियम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट कहलाता है, देयर टू टाइप्स ऑफ मीडियम बेसिकली, वन इज पोलर, अदर इज नॉन पोलर मीडियम। पोलर मीडियम भी दो टाइप्स में डिवाइडेड है, पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक का मतलब जिसके पास एच प्लस आयन देने की टेंडेंसी होती है, पोलर एप्रोटिक जिसके पास एच प्लस आयन नहीं होता है। जैसे होने की टेंडेंसी कहाँ पाई जाएगी, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है। आपके पास देखिए यहाँ पे वाटर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको H2O2 दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे HCOOH दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे C2H5OH, ये सब वो सॉल्वेंट है जो आसानी से अपना एच प्लस आयन देते हैं। सिमिलरली अगर आप एक और खास एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्वस एसीटोन, ये भी पोलर प्रोटिक बन जाता है अगर एक्वस मीडियम में प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर आप आते हैं इस केस में, अगर आप आए पोलर एप्रोटिक कंडीशन में, तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास वैसा सब्सटेंस जिसके पास एच प्लस आयन देने की टेंडेंसी नहीं होती, नो कंडीशन, बड़ा गौर से देखना है, इनके पास एच प्लस आयन देने की टेंडेंसी नहीं होती, बट ये डाइपोल मोमेंट कंसीडर करते हैं सब। यहाँ पे म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू इज नॉट इक्वल टू, मतलब दोनों का डेवलपमेंट है, बट फर्क इतना है, ये एच प्लस आयन दे सकते हैं सॉल्यूशन में, एच प्लस आयन नहीं दे सकते। इसे शॉर्ट फॉर्म लिखा डीएमएफ, डीएमए, डीएमएसओ, डीएचपीएमए, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल एस्टामाइड, डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। तो ये सब कंडीशन मैं दिखाऊंगा आपको आगे चलकर। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको मीडियम है, वो आपका है नॉन पोलर मीडियम। नॉन पोलर मीडियम में खासकर CCl4 आप देख रहे हैं, CS2 देखें, कार्बन डाइसल्फाइड, मतलब ये बिल्कुल इसका डेवलपमेंट जीरो होगा। नॉर्मल हेक्सेन है, बेंजीन है, इस टाइप के सॉल्वेंट का आप यूज करते हैं। अब अगर आप आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं इसके अंदर, देखिए डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड लिख करके आप एन में दो मिथाइल लगा सकते हैं। डाइथाइल एसिटामाइड, एसिटामाइड का मतलब CH3CO ग्रुप जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, ये जहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है CH3CO, ये ग्रुप ही एसिटा कहलाता है, इससे एसिटोफिनोल बन सकता है, इससे एसिटामाइड बन सकता है। तो ये डाइमिथाइल एसिटामाइड, CH3CO2 से हटा के दो मिथाइल लगाएगा, ये भी हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड देख रहे हैं, दो मिथाइल लगा के सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट, सल्फर ऑक्साइड एस डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जाहिर सी बात पोलरिटी होगी इस पे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, पोलरिटी कुछ ना कुछ इसकी होगी जरूर, डाइक्रोमेंट होगा इन कंडीशन में। आगे देखें तो हेक्सामिथाइल फॉस्फोरिक ट्राईएमाइड ये कंपाउंड है, HPTMA जो TM जो हमने लिखे थे कंपाउंड, CH3 डाइमिथाइल, हेक्सामिथाइल देखिए 3, 2, 6 या 6 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, बाकी 3 नाइट्रोजन है, ट्राईएमाइड कहा गया, फॉस्फोरिक PO को नाम दिया गया। इस तरह से आप इस सॉल्वेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मेरा टॉपिक आप देख रहे हैं, तमाम आप टाइप ऑफ बॉन्ड ऑफ फ्यूजन पे आने जा रहे हैं। इसमें देखिए पहला टॉपिक दिया हुआ होमोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक फ्यूजन का मतलब क्या है? सिमेट्रिकल, मतलब ईमानदारी से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के ये चले जाएंगे। अगर आप होमोलिटिक फ्यूजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप इसमें देख सकते हैं
मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईमानदारी से अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोलिटी फ्यूजन। जैसे एग्जाम्पल अगर लूँ तो अगर मान लीजिए एच हमारे पास प्रेजेंट है तो एच एच टू प्रेजेंट है, अगर हम किसी तरीके से इसके बॉन्ड को ईमानदारी से ब्रेक कर पाएँ तो आप पाएंगे कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन चला गया इधर इसके पास, तो ईमानदारी से यहाँ बॉन्ड टूटे अपने अपने इलेक्ट्रॉन को बांट लेंगे, दैट इज कॉल्ड होमोलिटिक फ्यूजन कहलाते हैं। ऐसे केस में हमेशा आपको फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं आप फ्री रेडिकल जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे। आगे और भी जाएंगे, जैसे बहुत सारे रिएक्शन हैं जो आप स्पेसिफिक कंडीशन में फेवर करते हैं, कंडीशंस को याद करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि किस किस कंडीशन में आपका होमोलिटिक फ्यूजन होता है। पहली बात गैसियस फेज में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, वेरी हाई टेम्परेचर 200 डिग्री से ज़्यादा हो टेम्परेचर तब, या नॉन पोलर मीडियम और पेरोक्साइड, ये 4-5 पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। जितने भी गैसियस रिएक्शन होते हैं वो सब होमोलिटिक फ्यूजन फॉलो करते हैं उस कंडीशन में होते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, हाई टेम्परेचर पे और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सीएल, यहाँ पे सीएल के बारे में बात की जा रही है, तो सीएल को आप देख सकते हैं कि यहाँ ईमानदारी से इसने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लिया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीएल के पास तकरीबन 7 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, एक बॉन्ड के पास, बाकी 2 यहाँ होंगे, तो ईमानदारी से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड होमोलिटिक फ्यूजन। अगर हम फ्यूजन की बात करें तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, तरीका होता है 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, जो आप ऑलरेडी डेटिव बॉन्ड वगैरह में देख चुके होंगे। अगला तरीका जैसे हेटरोलिटिक फ्यूजन है, ये कब होता है उस कंडीशन को जानना जरूरी है। इसके लिए कंडीशन देखिए साफ लिखा हो यहाँ पे कि आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जब हो, पोलर मीडियम कंडीशन है यहाँ पे, चाहे आपका पोलर प्रोटिक हो या प्रोटिक कंडीशन है, तो वहाँ हमेशा एक बनेगा केटायन, दूसरा बनेगा आपका एनायन, ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है, वन इज केटायन अनदर वन इज कॉल्ड एनायन बनेंगे। ये इसी को अगर आप आगे रिएजेंट में अगर आप जान पाएंगे तो आप पाएंगे इसे हम कह सकते हैं क्या भाई, तो इसे कहते हैं इक्विलेक्ट्रोफाइल, दूसरे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, इवन कि इंटरमीडिएट भी फॉर्म करेंगे इससे। अगर हम कार्बन एटम पे प्लस चार्ज प्रेजेंट है, कार्बन एटम पे माइनस चार्ज प्रेजेंट है, तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटायन और कार्बन एनायन बन सकते हैं। सिमिलरली आप आगे बढ़ते हैं, देखिए एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एग्जाम्पल लिया है कि अगर आपके पास यहाँ पे, अगर देखिए W और Y यहाँ पे एक बॉन्ड प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट है, अगर Y की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो Y ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, अल्टीमेटली इस पर चार्ज किया नेगेटिव, इस पर चार्ज किया पॉजिटिव, रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर आप देखें तो W और Y बॉन्ड में पाएंगे, अगर W की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पे मेन इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस का चक्कर है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर नेगेटिव, बाकी दूसरे पॉजिटिव, ये हेटरोलिटिक फ्यूजन होता है, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है, जिसके पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है उसमें चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे होमोलिटिक फ्यूजन एग्जाम्पल वही सेम है, देखिए आपको दिख रहा है सनलाइट में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ सनलाइट में, तो वही चीज़ है यहाँ पे, देख क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक ले लिया यहाँ से, यहाँ पे इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस तरीके से किया। सेम एज यहाँ पे भी दिख रहा है यहाँ पे एक्चुअली 2 पेरोक्साइड लिंकेज था, यहाँ पे बॉन्ड यहाँ से टूट गया, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों अपना ऑड इलेक्ट्रॉन, दैट इज होमोलिटिक फ्यूजन। इस तरह से होमोलिटिक और हेटरोलिटिक फ्यूजन को आप आसानी से समझ सकते हैं। ये स्पेशल कंडीशन दिया कीटोन, देखिए अगर हमने पोलर मीडियम में एक सॉल्वेंट डाला था वो बेस था, बेसिक कंडीशन में क्या था ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा नेगेटिव, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसका चार्ज क्या होगा, ऑक्सीजन कंटेंस द नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव, कार्बन कंटेंस द पॉजिटिव चार्ज क्योंकि कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अल्टीमेटली इस पे चार्ज किया पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये इससे इलेक्ट्रॉन अगला कार्बन खींचेगा। आगे आप इंडक्टिव में ज़्यादा डिटेल समझ पाएंगे। ये देखिए पोलर सॉल्वेंट के कंडीशन में यहाँ पे इसको एच प्लस आयन की जरूरत थी, इसने एच प्लस आयन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, यहाँ से एच टू फॉर्म कर लिया, और यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे अपना दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, दूसरा ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, दोनों छोड़ के चलाया और यहाँ चार्ज किया नेगेटिव आया, दैट इज कार्बन एटम कंटेंट नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड कार्बन एनायन इज फॉर्म। हम ये चीज़ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन एनायन भी फॉर्म हो सकते हैं। सिमिलरली अगर अगला एग्जाम्पल देखो तो यहाँ पे कार्बन है, ये टर्शरी कार्बन लिया गया है और यहाँ पे Br प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है ब्रोमीन से यहाँ से यहाँ ब्रोमीन पे चार्ज होगा नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कार्बन से ज़्यादा होगी, अगर यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट है तो Br पे चार्ज प्लस आएगा, इस तरह से कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। तो मेरे कहने का मकसद है कि होमोलिटिक या हेटरोलिटिक फ्यूजन करने के बाद आप ये पाएंगे कि यहाँ पे कार्बोकेटायन, कार्बन एनायन या फ्री रेडिकल जैसे इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं, तभी रिएक्शन की रिएक्टिविटी फास्ट होने शुरू हो जाती है। इवन बेंजीन में अगर आप देखें तो हम जानते हैं पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बेंजीन में डबल बॉन्ड की वजह से नेगेटिव क्लाउड होता है, जिसकी वजह से क्या होगा जब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव लेंगे, दैट इज कार्बोकेटायन फॉर्म।
तो आई होप आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आई, किस तरह से बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं, इन सब चीज़ों पर बड़ा गौर करने की ज़रूरत है। इस तरह से हम होमोलिटिक हेटरोटिक फ्यूजन और बीडीएफ की कहानी को समझ सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आया हो। आप ज़रूर इस पर कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।